गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपने टॉपिक चल रहा था ड्रेनेज सिस्टम 11th क्लास ज्योग्राफी का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र को अपन ने पहले समझने का प्रयास भी किया था और मानचित्र के माध्यम से अपन ने दो वीडियो देखे भी थे। तो आज इसी चैप्टर को कुछ और, क्योंकि उस वीडियो में अगर किसी के कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत रह गई वो समझने का प्रयास और करेंगे और उसको शुरू से अपन बुक के अनुसार, तो इसके नोट्स आपको प्राप्त हो रहे हैं, साथ ही साथ अपन बुक के अनुसार इसको और समझने का प्रयास करते हैं। तो हम शुरू से देखते हैं। आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ, नाले और वाहिकाएँ देखी होगी, जो अतिरिक्त यानी अतिरिक्त का अर्थ होता है जो एक्स्ट्रा जल जो होता है उस एक्स्ट्रा जल को बहाकर ले जाती है। अगर ये वाहिकाएँ नहीं होती तो अपने सीधे से अपन सोच सकते हैं कि ये जल जो होता है धरातल पर फैलता और अनेक प्रकार की बाढ़ की उत्पत्ति यानी बाढ़ उत्पन्न कर देता, क्योंकि नदी जो होती है नदी के माध्यम से वो सीधा कहीं ना कहीं आगे निकल जाता है। अगर वो नदी नहीं होती, वाहिकाएँ नदी को ही वाहिका बोलते हैं, या नदी जो नाले होते हैं तो वाहिकाएँ नहीं होती, तो वाहिकाएँ नहीं होती तो उस जगह आसपास के धरातल पर फैलता और फैल करके वो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देता। जहाँ ये जब वाहिकाएँ नदियाँ चलती है तो ये वाहिकाएँ जहाँ जाकर अवरुद्ध होती है तो वहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वहाँ बाढ़ आना सामान्य परिघटना मानी जाती है। अब इसमें अपन एक डायग्राम के माध्यम से कुछ दे दिया हुआ है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेना। अपवाह किसे कहते हैं? निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं का जब जाल होता है, इन वाहिकाएं बहुत सारी वाहिकाएं अलग अलग दिशाओं से आकर के एक स्थान पर जब मिल जाती है, या एक एक ही जो वाहिका होती है उससे अनेक प्रकार की वाहिका निकल जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वाहिक अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि यानी भूवैज्ञानिक समयावधि का अर्थ होता है वहाँ की धरातलीय जो बनावट है उसके आधार पर वो डिवाइडेशन होता है। चट्टानों की प्रकृति यानी चट्टाने कोमल है तो उसका कटाव ज़्यादा होता है, कठोर है तो उनका कटाव कम होता है। संरचना, स्थलाकृतिक ढाल, बहते जल की मात्रा, अब जल ज़्यादा मात्रा में तीव्र गति से बह रहा है या फिर बहाव की अवधि का परिणाम, इन सभी चीज़ों से प्रभावित होता है। अभी इसमें अपन देखते हैं कि आपके शहर या गांव के पास कोई नदी है, अपने आसपास जो कोई नदी होती है जिसको अपन ने बहते हुए देखा हो। अब वो नदियाँ कुछ ऐसी होती है जो केवल मानसूनी ऋतु जब बारिश होती है तभी बहती है, और कुछ ऐसी नदियाँ होती है जो पूरे 12 महीने बहती है। तो ये अलग अलग, तो इसमें अपन ने क्या आप वहाँ कभी नौकायन करने नहाने के लिए गए, क्या ये नदी 12 मासी है या अल्पकालिक, केवल कुछ समय के लिए बहती है, केवल वर्षा ऋतु में पानी अन्यथा सूखी रहती है। क्या आप जानते हैं कि नदी सदैव एक ही दिशा की ओर क्यों बहती है? तो सीधी सी बात है, नदियों की जो बहाव होता है, नदियों की जो दिशाएं होती है वो एक ही दिशा की ओर क्यों होती है? भूमि के ढाल के कारण, क्योंकि भूमि की जो बनावट है उसी के अनुरूप नदी अपना बहाव क्षेत्र चुनती है। तो नदी सदैव एक ही दिशा की ओर क्यों बहती है? आपने भूगोल के अन्य दो पाठ्य पुस्तकों में ढालों के बारे में, जब अपन भूगोल के बारे में अपन ने पढ़ा कि ढाल जो होता है, ढलान यानी भूमि की एक क्षेत्र ज़्यादा ऊंचा होता है, एक नीचा होता है, तो अपने आप ऊंचे से नीचे की ओर पानी का बहाव होगा, तो ढालों के बारे में। तो आज आप जल के एक दिशा से दूसरी दिशा में बहने का कारण भी बता सकते हैं, हमें अपने इस चीज़ के बारे में अपने को पता। उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट, अभी अपन देखते हैं उत्तर में हिमालय और दक्षिण में पश्चिमी घाट दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इनकी हाइट ज़्यादा है। तो उत्तर में हिमालय से नीचे दक्षिण की ओर नदियाँ बहती है और पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर नदियाँ ज़्यादा बहती है, तो इसका कारण क्या है? धरातल की बनावट या धरातल में जो ऊंचाई की जो स्थिति है उसके कारण से। अब इसमें अपन बात करें हिमालय में, उत्तर में हिमालय और दक्षिण पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पूर्व की ओर क्यों बहती है? क्यों पूर्व की ओर ढाल जो है या ऊंचाई जो है कम है, कम होने के कारण वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित क्यों करती है? इन सभी का एक ही जवाब है कि भूमि के ढाल के अनुरूप ही पानी का बहाव होता है। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र, अब इसमें एक जल ग्रहण क्षेत्र जो होता है उसकी परिभाषा है, इसको अंडरलाइन कर लेना। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र, एक नदी जितने क्षेत्र से जल बहाकर ले जाती है तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो जल ग्रहण, किन कौन कौन से क्षेत्र से जल ग्रहण करके वो आगे बढ़ रही है तो पूरे क्षेत्र को हम जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। एक नदी उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित होती है, एक नदी और उसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ जब मिल जाती है तो उनसे अपवाहित होती है। अब इससे पहले अपन देखते हैं कि अपवाह तंत्र जो होता है वो उसके कुछ प्रतिरूप होते हैं। अपवाह तंत्र को कितने, तो 4 महत्वपूर्ण भागों में इसको बांटा गया है अपवाह तंत्र को प्रतिरूप के आधार पर। एक तो होता है वृक्षाकार प्रतिरूप। अब अपन जब वृक्ष को देखते हैं तो जिससे वृक्ष एक तने में चलता है ऊपर जाकर उस कई टहनियाँ कई भागों में कई शाखाओं में विभाजित हो जाता है, उसी प्रकार एक बहती हुई नदी आगे जाकर कई भागों में विभाजित हो जाए
तो वो जो प्रतिरूप बनता है उसको अपन बोलते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप। दूसरा इसमें दिया हुआ है अरीय प्रतिरूप। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो उसे एक उसने कहा है कि जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो उसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। इसे अमरकंटक से निकलने वाली अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ ये इस अपवाह तंत्र का एक उदाहरण है। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर दो नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहकर बहती है और उसकी सहायक नदियाँ उनको समकोण सहायक नदियाँ समकोणों पर अगर काटती है तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। नेक्स्ट है जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में आकर विसर्जित हो जाती है मिल जाती है तो ऐसे प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय प्रतिरूप के नाम से अपन जानते हैं। इसने कहा है कि भूगोल भाग पृष्ठ अध्याय 5 में भी इस चीज़ के प्रायोगिक कार्य में इस अपवाह तंत्र प्रतिरूपों को ढूंढने का प्रयास करना है, अपने को समझने का प्रयास करना है। तो अपन बात कर रहे थे कि एक नदी उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित। अब ये कुछ मानचित्र दिया हुआ है जिसमें नदियों को इसको बड़े ध्यान से देखना है। ऊपर सिंधु नदी दी हुई है, उसकी सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, 5 महत्वपूर्ण सहायक नदी है। उसके बाद में नीचे अपन चलते हैं तो इसी सिंधु के ठीक विपरीत ये सांगपो नाम लिखा हुआ है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। नमचा बरुआ नामक स्थान है इस क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से ये नदी भारत में प्रवेश करती है और आगे असम से होते हुए असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट अपन देखें तो ये गंगा नदी है। गंगोत्री हिमनदी से ऊपर दो धाराएं अलकनंदा और भागीरथी दो जलधाराएं आकर नीचे मिल रही है। इसका मानचित्र मैं आपके नोट्स के माध्यम से आपके पास और पहुंचा दूंगा, तो इसको बड़े ध्यान से इस मानचित्र को समझने का प्रयास करना है। तो अपन बात कर रहे थे कि एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं। अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी के नाम से जानते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संवर्ष के नाम से अपन जानते हैं। बड़ी नदियों को जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी जबकि छोटी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को जल संवर कहा जाता है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को अपवाह द्रोणी और छोटी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहेंगे अपन, दोनों जल संवर। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संवर आकार में क्या होता है, छोटा होता है। नदी द्रोणी बड़ी नदियों का अपवाह क्षेत्र होता है और नदी जल संवर छोटी नदियों का अपवाह क्षेत्र होता है। नदी द्रोणी जल संवर एकता की परिचायक। नदी द्रोणी और जल संवर एकता यानी सारी नदियों का जल एकत्रित करना, यानी एक जगह एक झील या बड़े स्तर पर एकत्रित करने तो इनकी एकता की परिचायक इसलिए कहा जाता है। नदी द्रोणी जब जल संवर एकता के परिचय के इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों व पूर्ण क्षेत्रों में देखा जा सकता है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म मध्यम व्रत नियोजन इकाइयों और क्षेत्रों के रूप में देखा जाता है। भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें अपन पहले देखें समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे दो भागों में यानी दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। अरब सागर में जल विसर्जित करने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करने वाली नदियाँ। ये अपवाह तंत्र जो है दिल्ली कटक अरावली सह्याद्री द्वारा अलग दिल्ली कटक यानी अरावली पर्वतमाला जो गुजरात से प्रारंभ होकर दिल्ली तक इसका विस्तार ये इस अपवाह तंत्र को दो भागों में डिवाइड कर देती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के रूप में। चित्र 3.1 में इस जल विभाजक को एक रेखा द्वारा दर्शाया हुआ है। इसमें अपन पीछे वाले जब चित्र में देखते हैं जल ये देखो एक ये ब्लैक वाली जो डार्क लाइन है जो तिब्बत से प्रारंभ हो रही है ये वाली ये डार्क वाली जो लाइन है, तब इस लाइन से इधर अगर बात करें लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में अरब सागर में गिरने वाली और राइट साइड में निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल, तो ये एक डार्क लाइन जो है ये जल विभाजक रेखा है। 3.1 में जल विभाजक को एक रेखा द्वारा दर्शाया गया। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, अब 77% भाग दाएं साइड में और 23% भाग बाएं साइड में, तो 23% भाग अरब सागर में और 77% भाग बंगाल की खाड़ी में अपना जल। अब इसमें 77% में कौन कौन सी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल है, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है, और जबकि 23% क्षेत्र जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में ले जाकर गिराती है। तो ये नदियां 23% अरब सागर में अपना जल छोड़ती है और 77% यानी अधिकतर जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। जल संवर क्षेत्र के आकार, अब ये तो था जल विसर्जन के आधार पर, अब अपन बात करें जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर या जल संवर
क्षेत्र के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। जल संवर्ध क्षेत्र के आकार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भाग कौन कौन से प्रमुख नदी द्रोणी यानी क्षेत्र विशेष के आधार पर जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। इसमें 14 महत्वपूर्ण ऐसी नदियाँ हैं जिनका जो अपवाह क्षेत्र है वो 20,000 से अधिक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माई, पेन्नार, साबरमती, बराक, ये ऐसी नदियाँ हैं जिनका जो अपवाह क्षेत्र है वो 20,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। दूसरी है मध्यम नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर तक है। इनमें 44 नदियाँ हैं जिसमें महत्वपूर्ण नदियाँ कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि, और लघु है जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है। इसमें न्यून वर्षा वाले क्षेत्र हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्र इसमें शामिल किए गए। बहुत सी ऐसी नदियाँ हैं जहाँ पर केवल वर्षा ऋतु के समय में ही पानी देखने को मिलता है और कभी कभार वो भी। यदि आप चित्र पॉइंट एक में देखें तो आप पाएंगे कि अनेक नदियों का उद्गम स्रोत अधिकतर नदियों का उद्गम यानी कहाँ से होता है, हिमालय पर्वत से, और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में ले जाकर छोड़ती है। से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तो ब्रह्मपुत्र गंगा हिमालय पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में सिंधु नदी है हिमालय पर्वत से निकलती है और अरब सागर में अपना जल ले जाती है। उत्तर भारत की नदियों की पहचान कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है और ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती है। दक्षिणी भारत की नदियों का भी कि दक्षिणी भारत जैसे अपन पढ़ते गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये ऐसी नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियाँ हैं जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है। नर्मदा और ताप्ती दो बड़ी नदियाँ इसका अपवाद है और ये अनेक छोटी नदियाँ अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तट तक बहने वाली नदियों के नाम बताए। उद्गम के प्रकार इसने कहा है कि कोंकण से लेकर मालाबार जो तट है उस क्षेत्र में बहने वाली नदियों के नाम अपने को इसमें लिखना है। अब कोंकण तट कहाँ पड़ता है, तो वहाँ से लेकर के मालाबार तट नीचे तक जो अपन पढ़ते हैं पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तो ये ऐसी नदियाँ हैं जो इस क्षेत्रों के माध्यम से निकलती है। उद्गम के आधार पर प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में दो अपवाह तंत्रों में विभाजित किया है, एक हिमालय से निकलने वाली और एक प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली। यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न हो जाती है क्योंकि ये नदियाँ ऐसी हैं, जैसे चंबल की बात करें तो न तो ये हिमालय से हैं और न ही ये प्रायद्वीपीय, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है जैसे अपन बात करें विंध्याचल पर्वतमाला तो उस क्षेत्र से निकलती है, तो इनमें कुछ समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि उत्पत्ति और आयु में से ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी है। फिर भी ये अपवाह तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है। इस पुस्तक में इसी का अनुसरण किया गया है। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले इसी के आधार पर भारत के अपवाह तंत्र के बाद। भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल है। ये 3 बड़ी भू आकृति इकाइयों की उद्ध विकास प्रक्रिया यानी उत्पन्न होने की विकास की प्रक्रिया वर्षण यानी वर्षा के आधार पर प्रकृति और लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय अपवाह तंत्र यानी हिमालय से निकलने वाली या हिमालय से उद्गम प्रारंभ होने वाली नदियों के बारे में। हिमालय अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास में एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्य रूप से गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियाँ 3 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ आती है। यहाँ की नदियाँ 12-मासी है। इस हिमालय से निकलने वाली जो क्षेत्र है तो यहाँ से बहने वाली जो नदियाँ हैं वो 12 महीना यानी 12-मासी नदियाँ हैं क्योंकि ये बर्फ़ के पिघलने और वर्षण दोनों पर निर्भर करती है। बर्फ़ पिघल कर भी ये नदियों में जाता रहता है और वर्षा से भी नदियों में पानी का बहाव चलता रहता है। तो दोनों चीज़ें देखने को मिलती है। ये नदियाँ गहरे माखंड यानी गार्ज से गुजरती है, गहरी खाइयों से होकर के गुजरती है जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन यानी हिमालय का उत्थान तो हो ही रहा है तो पर्वतों का निर्माण के साथ साथ ये अपरदन क्रिया द्वारा भी निर्मित होती है। माखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियों का निर्माण करती है। शिप्रिकाएँ जलप्रपात शिप्रिकाएँ होती है जो सीढ़ीनुमा जो आकृति बन जाती है कटाव के कारण अपरदन के कारण तो उसको शिप्रिका बोलते हैं। जलप्रपात जब ऊपर से नीचे जल गिरता है तो वहाँ पर भी क्या होता है ज़्यादा ऊपरी क्षेत्र से, तो इस प्रकार जलप्रपात जब ये नदियाँ मैदान में प्रवेश करती है तो वहाँ पर जब मैदान में पहुँचती है
तो अपने साथ बहा कर लाए हुए कंकड़ पत्थर मिट्टी उसका जमाव करने के कारण वहाँ पर अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ जैसे बोलते हैं उनको उनका निर्माण करती है। समतल घाटियाँ बनाती है, गोखुर झीलें बनाती है, बाढ़ग्रस्त मैदान, गुम्फित वाहिकाएँ, नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण ये सारी नदियाँ मैदानों में पहुँचने के बाद करती है। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्रों में ये किस रूप में चलती है? सर्पाकार आकृति में। जब सर्प चलता है तो अपन देखते हैं तो सर्पिलाकार आकृति में ये नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में बहती है और अपना रास्ता बदलती रहती है। कोसी नदी, जिसको तो अपन बिहार का शौक कहते हैं क्योंकि बिहार में ये नदी रास्ता बदलने में बहुत माहिर है और बिहार में इस रास्ता बदलने के कारण ही कई बार बाढ़ की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, इसलिए उसको बिहार का शौक कहा जाता है। अपना मार्ग बदलने के लिए ये कुख्यात रही है। ये नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद, भारी मात्रा यानी ज़्यादा मात्रा में अपने साथ बहुत सारी चीज़ें बहाकर लाती है, अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा करती है। इससे नदियों के मार्ग क्या होते हैं? अवरुद्ध हो जाते हैं और बाद में परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। उसी प्रकार कोसी नदी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र में से इतनी भारी मात्रा में अपने साथ मिट्टी, पत्थर, कंकड़ सारी चीज़ें लेकर आती है, अवसाद लेकर आती है कि आप सोचते हैं कि सामान्यतः नदियों में विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव और मात्रा एक समान रहती है या घटती बढ़ती रहती है। तो जब पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो उस दौरान क्या होती है, ये बाढ़ की स्थिति उत्पन्न ज़्यादा कर देती है। नदी में जब जल की मात्रा ज़्यादा होती है तो बाढ़ के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो ये तो थी हिमालय अपवाह तंत्र, उसमें अपन भी देखेंगे हिमालय अपवाह तंत्र का विकास किस प्रकार से हुआ। हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसिन ये भूगर्भिक समय सारणी के अनुसार एक काल है, ये समय तो मायोसिन कल्प में 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले की अगर बात करें तो एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्मा के नाम से जाना जाता था। हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक ये नदी बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती थी। ये प्राचीन काल में आज से 50 लाख वर्ष पहले, 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले की अगर बात करें तो उस दौरान ये नदी इंडो ब्रह्मा नामक एक नदी शिवालिक क्षेत्र यानी हिमालय क्षेत्र से बहती थी जो असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती थी। भूवैज्ञानिक कालक्रम के लिए भौतिक भूगोल की जो बुक है उसमें ये इसके समय सारणी को अपन को देखना पड़ेगा अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तो शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इसका सरोवरी उद्गम और इसका जलोढ़ निक्षेप से बना होना जिसमें रेत, मृतिका, चिकनी मिट्टी, गोलास में कॉन्ग्लोमरेट ये चट्टानें इसके अंतर्गत देखने को मिलती है, इस धारणा की पुष्टि करती है। इस धारणा का मतलब होता है इस जो अपन सोचते हैं कि इस प्रकार वहाँ पर नदी रही होगी तो उसकी पुष्टि इन्हीं चट्टानों के माध्यम से होती है। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्मा नदी तीन मुख्य अपवाह तंत्रों में, इंडो ब्रह्मा जो नदी है वो तीन अपवाह तंत्रों में बट गई। पश्चिम में सिंध में, सिंध और उसकी पांच सहायक नदियाँ जिसको अपन बोलते हैं सिंधु नदी, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली उसकी सहायक नदियाँ और पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। ये जो तीन हिमालय की नदियों के बारे में अपन पढ़ते हैं ये तीनों नदियाँ जो है वो प्राचीनकालीन इंडो ब्रह्मा जो शिवालिक श्रेणी से असम से पंजाब तक बहती थी उस वही तीन भागों में इसको विभाजित माना गया है। विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लिस्टोसिन काल में देखने को मिला या हुआ। हिमालय के पश्चिमी भाग में पोटवार पठार दिल्ली रेंज के उत्थान के कारण अब किसी क्षेत्र में अगर कोई नदी भरी और वहाँ पर वहाँ के धरातल अगर ऊपर उठ जाए तो ऑटोमेटिक वो नदी दो पार्टों में विभाजित हो जाएगी, तो उत्थान के कारण ये विभाजन माना जाता है। ये क्षेत्र सिंधु और गंगा अपवाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया। इसी प्रकार मध्य प्लिस्टोसिन काल में राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ। अधोक्षेपण का अर्थ होता है वहाँ पर जैसे विभाजन हुआ तो जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मार्ग था, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी वो बीच में वाला अपन देखते हैं गंगा नदी हिमालय के अपने इंडिया वाले साइड से बहकर चलती है और ब्रह्मपुत्र नदी जो उसके दूसरे अपोजिट साइड से, तो दोनों नदियों के बीच में जो ऊपरी उभरा हुआ जो भूभाग है उसके कारण ये नदियाँ दो पार्ट में विभाजित हो गई। इनका बाहु क्षेत्र आज भी एक ही दिशा में है। दिक परिवर्तन हुआ और बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होनी। अब अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे हिमालय अपवाह तंत्र की महत्वपूर्ण नदियाँ। तीन नदियाँ जिनके बारे में अपन बोल रहे हैं सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।